Hey, hello friends, welcome to Sai Kitchen. Friends, steamed food पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज साई किचन में मैं आपके लिए साउथ इंडिया में बनाई जाने वाली राइस फ्लावर की चार इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपकी रेसिपी बने एकदम परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पतीला लेना है और उसमें 2 कप पानी डालना है। 2 कप पानी डालने के बाद आप इसमें नमक डालिए और उसे मिक्स कीजिए और इसे उबलने के लिए रख दीजिए। एक अच्छा उबाल आने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें आपको 2 कप राइस फ्लावर डालना है, यानी चावल का आटा आपको इसमें डालना है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही आप चावल का आटा डालिए और धीरे धीरे करके डालिए और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि आप जितना राइस फ्लावर लेंगे सेम उतनी ही क्वांटिटी आपको पानी की भी लेनी है, मीन्स दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मेजरमेंट एकदम सेम रखना है आपको। तो ये मिक्स करने के बाद आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि हम इसका सॉफ्ट डो बना सकें। ये बहुत ही गर्म होता है तो थोड़ा सा आपको तकलीफ ज़रूर होगा इसे मिक्स करने में, तो इसके लिए आप अपने हाथ को ठंडे पानी में डालते रहिए और फिर इसे भिगाते रहिए ताकि आपके हाथों को ये तकलीफ़ ना हो। और इसमें 1 टेबल स्पून आपको ऑयल मिक्स करना है। ऑयल डालने के बाद आप फिर से आटे को अच्छी तरह से गूंदिए। अगर गर्म लगे तो आप अपने हाथ को ठंडे पानी में डालते रहिए। इस तरह से आपको इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो हमारा सॉफ्ट डो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इस डो का 4 हिस्सा कर लेंगे। इसे 4 हिस्सों में आपको डिवाइड कर लेना है। 4 हिस्सों में इसलिए मैं डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी 4 रेसिपी बनानी है, इसीलिए 4 हिस्से डिवाइड कर लीजिए। और पहला हिस्सा लीजिए और फिर एक इडली का सांचा लीजिए ऐसा, और फिर एक शेव बनाने का मशीन लीजिए और ये शेव वाला सांचा फिट करके उसमें आपको ये डो डालना है और फिर इसके शेव बनाने हैं आपको। इडली के सांचों में इसका शेव बना के डालना है, ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और दूसरा हिस्सा हमें लेना है, आटे का दूसरा हिस्सा, और उसका छोटा सा बॉल बनाइए, उसे सूखे आटे में डुबाइए और फिर इसको एक कटोरी नुमा शेप दीजिए और उसमें आलू की स्टफिंग आपको फिल करना है। ये वही आलू की स्टफिंग्स है जिसे हम आलू का पराठा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम वही रेसिपी यूज़ करना है आपको ये स्टफिंग बनाने के लिए। और इस तरह से बना के इसे फ्लैट शेप दीजिए। इतने आटे में मेरे 4 ऐसे शेप्स बने हैं, आपके अगर ज़्यादा बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड वाले पार्ट में हमें कटा हुआ बारीक धनिया डालना है और उसे अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, इसके डम्पलिंग्स बनाने हैं आपको, और ऐसे छोटे छोटे डम्पलिंग्स बना लीजिए। इसे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर बहुत ही मज़ेदार होता है ये खाने में और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसको भी ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में। और अब हम इसे स्टीम के सांचे में डालकर इसे स्टीम कर लेंगे। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक स्टीम होने देना है आपको। जब तक ये स्टीम हो रहा है तो हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए इसे। जैसे हल्का सा इसका अगर कलर चेंज होने लगे तो इसमें शिमला मिर्च कटी हुई, प्याज कटे हुए 2 चम्मच और 1/2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, और ये कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल है
उसे भी आप डाल लीजिए। इसे एक मिनट तक भूनिए, फ्राई कीजिए और उसके बाद उसमें हरा धनिया डालिए और इन सभी चीज़ों को आपको फोर्थ जो हमारा डो बचा हुआ है उसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से गूंद लीजिए। इसके बाद हमें इसकी छोटी छोटी मीडियम साइज की डम्पलिंग्स बनानी है। इसके पहले जो हमने डम्पलिंग्स बनाया था उससे थोड़ा सा इसका साइज आपको बड़ा रखना है इस तरह से। और फिर ये देखिए 20 मिनट मैंने इसे स्टीम किया है, ये बहुत ही अच्छे पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और जो हमने ये डम्पलिंग्स रेडी किया है मीडियम साइज के इसे भी हम स्टीम होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है हम छोटे वाले डम्पलिंग्स को फ्राई कर लेंगे। सेम वही चीज़ें, जीरा, राई, ऑयल और चना दाल और उड़द दाल डालिए और इसे हल्का सा रोस्ट कीजिए। इससे आपके डम्पलिंग्स में बहुत ही क्रंच सा टेस्ट आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। अब इसमें सब्जियां डालिए आप, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, प्याज, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, इसे भून लीजिए तकरीबन एक मिनट तक। और फिर इसमें अदरक डालिए, आधा चम्मच अदरक डालना है आपको बारीक कटा हुआ। उसके बाद ये ग्रेटेड गाजर, कद्दूकस किया हुआ। अब हम इसमें ये डम्पलिंग्स डालेंगे जो हमने स्टीम किए थे वो डाल दीजिए इसमें। उसके बाद उसे ये ग्रेटेड कोकोनट है आप वो डालिए और एकदम फ्रेश वाले कोकोनट यूज़ कीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें हल्का नमक भी डाल सकते हैं, मैंने तो नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ नमक बहुत कम खाते हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं नमक। अब इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप गैस का फ्लेम इस समय थोड़ा सा तेज रखिए और फिर बंद कर दीजिए और ये हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ये डम्पलिंग्स हमारे स्टीम हो चुके हैं, वाओ। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये है हमारे इडियप्पम जो हमने मैगी जैसा शेप देकर बनाया था। ये बहुत ही लचीला और बहुत ही सॉफ्ट होता है, साउथ में इसे इडियप्पम कहते हैं। ये हमारे डम्पलिंग्स है जो हमने फ्राई किए हुए हैं। तो ये हमारी सेकंड रेसिपी और ये थर्ड वाली जो हमने आलू स्टफ करके बनाया था, ये कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। और ये हमारी फोर्थ रेसिपी, थोड़ी सी मीडियम साइज की डम्पलिंग्स। दो डम्पलिंग्स मैंने सिखाया, दोनों भी अलग तरह की है और दोनों का ही स्वाद बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा चारों रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही यम्मी लगती है और आप इसे कोकोनट की चटनी के साथ या फिर आप धनिया की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगती है और ओल्ड एज लोगों को भी ये बहुत पसंद आता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप ज़रूर इसे अपने घर पर एक बार ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।